देखिए देखिए, परेशानी क्या है? सही तो है। तो आपके लिए ये सही है? रोहित, तू खा के देख। अच्छी तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? टेस्टी है। आपके मुंह में धूल मिट्टी नहीं आ रही? खाए धूल मिट्टी, ये तो गरम मसाला और अजवाइन है। नहीं सविता, और पड़ता मत डालो। मैं सबको चखाती हूँ। माया खा के देखो, उल्लू तुम भी लो। तामा जी, खराब है क्या? देखो अम्मा, आप भी खा के देखो। आप वैभव। हाँ, हाँ सही है, सही है। देखा, किसी को खराब नहीं लगी। अच्छा, तो आप लोगों के हिसाब से ये सेब बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाने लायक है? हाँ हाँ हाँ। डब्बों पर जो नाम गलत छपा वो भी आप लोगों की वजह से नहीं है, है ना? इसका मतलब इस पूरे ऑर्डर में आप लोगों की कोई गलती है ही नहीं। सविता मेरी तरफ देखो, सविता मेरी तरफ देखो। गलती मान लो अपनी। हमारी कोई गलती नहीं है। सुख सागर नमकीन ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। आपके कहने से हम मानने वाले नहीं हैं। हम ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और आपका माल भी वापस करने वाले हैं। आप हमें हमारा चेक दे दीजिए। ऐसे कैसे पूरा माल वापस कर सकते हैं आप? पूरा माल एकदम सही था, उसमें से सिर्फ एक ही लॉट खराब। आप लोगों को यह पता था कि यह माल खराब है? मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त है, इसलिए यह ऑर्डर मैंने आपको दिया था। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर आप अब भी अपनी गलती मान लेती तो शायद मैं आपको माफ कर देता और यह ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करता। लेकिन आप तो अंत तक अपने झूठ पर टिकी रही। अब तो लगता है जैसे उस दिन आप मंदिर में एक पैरों पर खड़ी रही थी, वो भी सब दिखावा ही था। हमारा चेक वापस लाइए। सर एक मौका और दीजिए, हम सब सही कर देंगे। हाँ, अभी आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सविता जी। सर पहचाना आपने? रूपचंद, देखिए आपका जो भी ऑर्डर होगा मैं बना के दूंगा। हम सब कर लेंगे, ठीक कर देंगे। हाँ, हम सब मिलकर कर देंगे सर। आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी इस बार। ये भगवान के घर का भंडारा है, आप जैसों के हाथों से नहीं बनवाएंगे आप। जायसवाल साहब, संभाल के बात कीजिए।
76 साल से हमारी ये सुख सागर नमकीन यहाँ पर, हम कोई ऐरे गहरे नहीं है। वो तो दिख ही रहा है, और ये भी कि ये सुख सागर वो सुख सागर क्यों नहीं रहा जो किसी जमाने में हुआ करता था। इसीलिए नए जमाने में नया अपनाइए, न्यू सुख सागर। जाइए जाइए, करा लीजिए, नहीं चाहिए हमें आपका ऑर्डर। ठीक है ठीक है, देना भी नहीं चाहते हम लोग। चलिए आइए सर, आइए आइए आइए, चेक लाइए। तुमने साबित कर दिया सविता कि एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो सामने खड़े भगवान को भी असहाय करते। मैं तुम्हें बार बार संकेत देती, परंतु तुमने तो विकारों से भरा मार्ग ही चुना। तुमने मोह नहीं छोड़ा, और मोह ने तुम्हारे परिवार की कमियों को छिपाना नहीं छोड़ा। अगर यूं ही चक्रव्यूह में फंसी रही ना, तो बार बार एक ही प्रश्न पूछोगी कि लक्ष्मी माँ हमारे घर क्यों नहीं आती।